Assalamu alaikum students, I hope you're all good. Okay, now take out your countdown books and open your page number 10. First we have to write classwork and date over here. Today we learn 110 and ones. Question: write in hundreds, tens and ones. Then draw beads on the abacus. ये हम टॉपिक पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट पिछले पेज पे. अब इनमें इसने कहा इन्होंने कहा है कि आपने इसको 100, 10 एंड ones में इन डिजिट्स को लिखना है. फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. ए, आपको डिजिट नज़र आ रहा होगा 113. ये आपको लिखा हुआ डिजिट. अब इसको हमने 110 ऑन वंस में कैसे लिखेंगे. 100, 110, 3 ones. ठीक. और इसको बीट्स में कैसे ड्रॉ करेंगे. 100 की लाइन में 1 beat क्योंकि 100 है. 10 की लाइन में भी 1 beat ड्रॉ करेंगे क्योंकि 110 है. और वंस की लाइन में 3 beats ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 digit दिया हुआ है. तो यहाँ पे भी इन्होंने 3 beats ड्रॉ की हैं. ठीक है. अब हम नेक्स्ट बी देख लेते हैं जो कि मैंने सॉल्व किया है. 841 डिजिट. इसको हम 100 में लिखेंगे एंड टेंस एंड वंस में 800, 410, 1 ones. और बीट्स में कैसे ड्रॉ करेंगे. ये हमारे पास है 800. यहाँ पे हम 8 beats ड्रॉ करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. एंड टेंस की लाइन में क्या डिजिट है. 4 tens. यहाँ पे हम 4 beats ड्रॉ करेंगे. 1, 2, 3 and 4. एंड वंस कितने हैं हमारे पास. 1. तो यहाँ पे हम 1 beat ड्रॉ करेंगे. ठीक है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट सी पे. 593 हमारे पास डिजिट है. इसको हम लिखेंगे 500, 910, 3 ones. और बीट्स में भी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे. 100 की लाइन में हमारे पास लिखे 500. 1, 2, 3, 4 and 5. टेंस हमारे पास कितने हैं. 9. यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. एंड वंस हमारे पास कितने हैं. 3. 1, 2 and 3. नेक्स्ट है डी. डी में हमारे पास डिजिट है 620. अब इसको हम लिखेंगे 600, 2, 10, 0, 1s. ठीक होंगे. यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे 100 हमारे पास है 6. तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे 6 beads. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tens. टेंस की लाइन में हम 2 beats ड्रॉ करेंगे. 1, 2. और वंस हमारे पास कोई भी नहीं है तो हम कोई बीट ड्रॉ नहीं करेंगे. नेक्स्ट है ई. 419. इसको हम कैसे लिखेंगे. 400, 1, 10 and 9 ones. और बीट्स में भी आप ऐसे ही ड्रॉ करेंगे. 400, 1, 2, 3, 4, 1, 10, 1 beat ड्रॉ किया एंड 9 ones. यहाँ पे हम 9 ड्रॉ करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. नेक्स्ट एफ. 758 हमारे पास डिजिट है. इसको हम लिखेंगे 7.
हंड्रेड, फाइव, टेन एंड एट वंस। और बीट्स में भी आप ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। हंड्रेड हमारे पास है सेवन, तो यहाँ पे हम सेवन बीट्स ड्रॉ करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, फाइव टेन, अब यहाँ पे फाइव ड्रॉ करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, एट वंस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। लास्ट क्वेश्चन है जी, 302 हमारे पास डिजिट है, तो हम इसको लिखेंगे थ्री हंड्रेड ज़ीरो टेन एंड टू वंस। अब इसको बीट्स में कैसे ड्रॉ करेंगे? हंड्रेड हमारे पास कितने हैं? थ्री, तो हम वन टू थ्री, ये है हमने थ्री बीट्स ड्रॉ किए। टेन्स हमारे पास ज़ीरो हैं, तो हम कोई भी ड्रॉ नहीं करेंगे। और वंस कितने हैं? टू, वन एंड टू। ये हो गया हमारा डन पेज नंबर टेन। अब हमने जो नेक्स्ट पेज करना है वो है हमारा पेज नंबर थर्टीन। ठीक है, अब ये टॉपिक देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले आप इस पेज भी क्लास वर्क लिखेंगे और आज की डेट लिखेंगे। टॉपिक है व्हाट इज माय नेम। क्वेश्चन, दीज बिग नंबर्स हैव फॉरगॉटन देयर नेम्स, हेल्प देम बाय रिटन देयर नेम्स इन द बॉक्स प्रोवाइडेड। अब ये कह रहे हैं जो नंबर्स हैं इनको भूल गया है कि इनके नेम्स क्या हैं, तो हमने इनको उनके नेम्स के साथ लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए 342, ये हमारे पास एक डिजिट आ गया, इसको हमने कैसे लिखा है इनके नेम के साथ? 342। ठीक, इस तरह से लिखा। नेक्स्ट हमने एक और एग्जांपल की हुई है सॉल्व बी 567, हमारे पास डिजिट है, इसको हम कैसे लिखेंगे? एफ आई वी ई 500, एच यू एन डी आर ई डी 100 एंड 67। 60 के स्पेलिंग लिखेंगे एस आई एक्स टी वाई 60, एस ई वी ई एन 7। ठीक, नेक्स्ट है सी, सी में हमारे पास डिजिट है 191, इसको हम लिखेंगे ऐसे, साथ में लिखें सब मेरे, 100 एंड 91। ठीक हो गया। नेक्स्ट है डी 870, इसको अब ऐसे लिखेंगे 800 एंड 70। नेक्स्ट है 493, इसको इस तरह से लिखेंगे। फिर एक और हमें एग्जांपल दी है 909, इसको हमने लिखा 909। नेक्स्ट है जी 684, इसको हम लिखेंगे 684। नेक्स्ट 258, इस तरह से लिखा। लास्ट है हमारे पास 736, 736,
6, ये हो गया हमारा डन पेज नंबर 13। होमवर्क में अब आपने कौन से पेज करने हैं, बुक पे पेज नंबर 11, या आपने हम पहले सब ये करवा चुके हैं आपको काम 100, 10s and 1s वाला, सेम ऐसे ही आपने पेज नंबर 11 करना है बुक पे एंड पेज नंबर 12। ठीक है, यहाँ तक ही आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा एंड क्लास वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।